दोस्तों पहले टेस्ट मुकाबले के पहले दिन ऋषभ पंत ने एक ओवर में 24 रन जड़कर टेस्ट क्रिकेट में रच दिया बड़ा इतिहास। सचिन तेंदुलकर, वीरेंद्र सहवाग और यहां तक कि महेंद्र सिंह धोनी के एक ऐसे रिकॉर्ड को छोड़ा पीछे, जिसको सुनकर पूरा भारत हुआ हैरान। तो दोस्तों ऋषभ पंत की बल्लेबाजी के साथ उनका ये रिकॉर्ड तो आपको वीडियो में दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप भी ऋषभ पंत को एक अच्छा बल्लेबाज मानते हो तो वीडियो को जरूर लाइक करना और कमेंट करके बताइएगा कि ऋषभ पंत और महेंद्र सिंह धोनी में से कौन एक अच्छा बल्लेबाज है। तो चलिए अब आपका ज्यादा समय ना लेते हुए शुरू करते हैं वीडियो को। दोस्तों जैसे कि आप सभी तो जानते हैं कि भारत और बांग्लादेश की टीम के बीच पहले टेस्ट मुकाबले का आज पहला दिन खेला गया, जहां आज के इस मुकाबले में भारतीय कप्तान केएल राहुल ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। हालांकि शुरुआती 10-15 ओवर तक तो ये फैसला बिल्कुल सही साबित होता हुआ नजर आ रहा था, लेकिन मुकाबला जैसे जैसे आगे बढ़ने लगा वैसे वैसे भारतीय टीम के बल्लेबाज अपने विकेट भी गंवाते चले गए, क्योंकि यहाँ पर केएल राहुल, शुभमन गिल और विराट कोहली ने तो आज कुछ ज्यादा खास कमाल किया नहीं। अच्छी शुरुआत मिलने के बावजूद भी इन तीनों के विकेट काफी जल्दी गिर गए और टीम इंडिया को तीन बड़े झटके 48 रन के कुल स्कोर पर ही लग चुके थे। लेकिन यहाँ पर फिर फैसला ये हुआ कि चितेश्वर पुजारा और ऋषभ पंत को पारी के लिए भेजा जाएगा लंच से पहले, और पुजारा पंत ने मिलकर अच्छी साझेदारी यहाँ कर भी ली थी। और वहीं दूसरे छोर पर खड़े ऋषभ पंत तो ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी अपनी जारी रख ही रहे थे। हालांकि लंच के बाद चितेश्वर पुजारा और ऋषभ पंत के बीच में कुल मिलाकर 64 रनों की साझेदारी हुई और ये सबसे बड़ी साझेदारी थी। लेकिन यहाँ पर ऋषभ पंत जो कि अपने अर्धशतक के लगभग करीब पहुंच ही चुके थे और काफी चौके छक्के इस दौरान लगा रहे थे, तो उनका विकेट या मेदी हसन ने चटकाया, जहां आज के इस मुकाबले में उन्होंने 6 चौके और 2 छक्कों की बदौलत 46 रन बनाए। लेकिन हम आपको बता दें कि आज ऋषभ पंत के आड़े हाथों जो आए वो कोई और नहीं बल्कि थे ताइजुल इस्लाम, जहां ताइजुल इस्लाम के एक ही ओवर में ऋषभ पंत ने 24 रन जड़ डाले और इस दौरान उन्होंने 3 चौके और 2 बड़े छक्के लगाए, जिसके चलते इस ओवर में 24 रन बनाने के बाद ऋषभ पंत ने टेस्ट क्रिकेट में एक ओवर में सर्वाधिक 24 रन बनाने के मामले में एक बड़ा कीर्तिमान अपने नाम कर लिया। जी हां दोस्तों, यहां पर ऋषभ पंत ने कोई एक रिकॉर्ड नहीं तोड़ा बल्कि उन्होंने कई कीर्तिमान अपने नाम स्थापित किए। जहां पहले तो हम आपको ऋषभ पंत का एक रिकॉर्ड ये बता दें कि ऋषभ पंत ने बतौर भारतीय खिलाड़ी आज 32 मैचों की 54 पारियों में 2169 रन पूरे कर लिए हैं। और हम आपको बता दें कि भारत की तरफ से ऋषभ पंत ने जैसे ही 2169 रन पूरे किए तो उन्होंने श्रीलंका के खतरनाक बल्लेबाज प्रसन्ना जयवर्धनी के 2124 रनों के रिकॉर्ड को तोड़कर वो उनसे आगे निकल गए हैं। और दोस्तों इतना ही नहीं, आज ऋषभ पंत ने वेस्टइंडीज के बल्लेबाज रोस्टन चेज और साथ ही डेरेन गंगा और ड्वेन ब्रावो के टेस्ट क्रिकेट में 2200 रनों के रिकॉर्ड को तोड़कर वो उनसे आगे निकल गए हैं, जैसा कि आप सभी यहां पर रिकॉर्ड लिस्ट में भी देख सकते हो। और वहीं हम आपको बता दें कि ऋषभ पंत ने आज जैसे ही एक ओवर में बांग्लादेश की सरजमी पर 24 रन बनाए तो उन्होंने सबसे तेज एक ही ओवर में 24 रन बनाने के मामले में वीरेंद्र सहवाग, रोहित शर्मा और विराट कोहली के रिकॉर्ड को तोड़ दिया। जी हां दोस्तों, इससे पहले वीरेंद्र सहवाग ने बांग्लादेश की सरजमी पर 20 रन बनाए थे और वहीं रोहित शर्मा ने 18 रन एक ओवर में बना रखे थे। और यहां पर अब ऋषभ पंत ने 24 रन बनाकर इन सभी खिलाड़ियों को पीछे कर दिया है। और यहां पर ऋषभ पंत ने एक से बढ़कर एक रिकॉर्ड तोड़कर ये बता दिया है कि वो भले ही T20 और वनडे क्रिकेट में अच्छी पारी ना खेलते हो, लेकिन टेस्ट क्रिकेट में उनका जलवा अभी भी जारी है और वो ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करके कभी भी मुकाबले को पलट सकते हैं। हालांकि दोस्तों मैच के बारे में आपको बता दें तो ऋषभ पंत 46 रन पर जब मेहदी हसन की गेंद पर आउट हुए थे तब भारत का स्कोर 112 था और अब चितेश्वर पुजारा, श्रेष अय्यर ने पारी को संभाल रखा है, जहां दोनों ही बल्लेबाज अच्छी साझेदारी कर रही है। टीम इंडिया के स्कोर को लगातार आगे बढ़ाते चले जा रहे हैं और अब उम्मीद ये लग रही है कि एक अच्छी साझेदारी अब इन दोनों खिलाड़ियों के बीच में हम सभी को देखने के लिए मिलेगी। बाकी अब आप सभी की क्या राय है ऋषभ पंत के इन रिकॉर्डों को जानने के बारे में, और आप ऋषभ पंत के रिकॉर्ड को देखकर 10 में से कितने नंबर उनको दोगे? अपनी कीमती राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा।